तो इसको मैं अभी ड्रॉ करने वाला हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए ऐसे मैंने सेट कर लिया है, और अब इसको मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो पहले इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और कैसे इसको आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं वो देखेंगे हम लोग। और मेरे पास ये डॉम्स और कैमल्स के पेंसिल्स हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए पहले इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। बेसिकली मैंने ग्रीड कर लिया है थोड़ा सा हेल्प के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए ऐसे आपको पहले ग्रीड में इसको कन्वर्ट कर लेना है। तो पहले ग्रीड कर लिया मैंने, उसके बाद मेरे पास कुछ ये पेंसिल्स हैं जिसके हेल्प से मैं इसको ड्रॉ करने वाला हूँ। तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे पहले इस जगह पे आप देखिए, हाँ तो यहाँ पे देखिए मार्क किया हुआ है, यहाँ पे थर्ड बॉक्स में, फोर्थ बॉक्स में है, ठीक है। तो ये फोर्थ बॉक्स में है, इसको पहले मैं जूम कर लेता हूँ जितना जूम आप कर सकते हैं, और अब इसको ड्रॉ करना है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो अभी मेरा इस पेंसिल का काम लगभग ख़त्म हो गया है। अब मैं जो भी करूँगा डायरेक्ट पेंसिल कलर से ही करूँगा। तो देखते हैं कौन सा पेंसिल कलर चूज किया जा सकता है। तो पहले हमको लाइट, क्योंकि ये पेंसिल वर्क है तो पहले लाइट से काम शुरू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे नेचुरली डार्क की ओर जाएंगे, ठीक है। तो लाइट पेंसिल कलर में मेरे पास दो है, एक ये है एक ये है, एक डॉम का है एक कैमलिन का है। तो हाँ अब देखते हैं कि कौन सा चूज करता हूँ मैं, और उसके बाद जो भी लूँगा ना उसको पहले शार्प करना है, ठीक है। तो इसके थ्रू मैं शार्प शार्प कर लूँगा और उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं, मतलब इसमें जो कलर वर्क है वो स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए मैंने क्या किया कि पहले इसको बस जो आउटलाइन स्ट्रक्चर है उसके उसके लिए मैंने वो पेंसिल का यूज़ किया। आप पेंसिल कलर डायरेक्ट यूज़ करने वाला हूँ। तो अभी फाइनली मेरे हाथ में ये डॉम का पेंसिल है, तो इससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अभी यहाँ तक हुआ है, काफ़ी टाइम लग गया इसको करने में जो भी इसको देख रहे हैं अभी।